नमस्कार, मैं हूं रत्नाकर त्रिपाठी। खास खबर खास नज़र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का विषय है अनसुटेबल टॉय। निश्चित रूप से विक्रम सेठ ने जब ये उपन्यास लिखा तो उन्होंने उसका शीर्षक दिया था अनसुटेबल बॉय। इस पर बनी वेब सीरीज भी अनसुटेबल बॉय नाम से ही है, लेकिन उसमें जिस तरीके से हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने की कोशिश की गई है उससे कई सवाल उठने लगे हैं। और मैं सबसे अहम सवाल ये है कि क्या हिंदी फिल्म में या हिंदी जो मनोरंजन जगत है उसमें हिंदुओं की भावनाओं को अनसुटेबल टॉय की तरह मानकर उनसे खिलवाड़ करने की आज़ादी मिल गई है। इस फिल्म के कई दृश्यों पर आपत्ति जताई गई है। बीजेपी नेता गौरव तिवारी का कहना है कि इस फिल्म में एक मंदिर के परिसर में मुस्लिम युवक को हिंदू युवती का चुंबन लेते दिखाया गया है। उन्हें मंदिर परिसर में उस जगह पर जूते और चप्पल पहने दिखाया गया है जहां श्रद्धालुओं को ऐसा होकर जाने की इजाज़त नहीं दी जाती है। ये पहला मौका नहीं है हिंदी फिल्मों में, बॉलीवुड में और इसके बाद जो वेब सीरीज़ के सिलसिले शुरू हैं उनमें लगातार इस तरीके की घटनाएं देखने मिल रही हैं। और अक्सर, बल्कि मैं कहूँगा 95% से ज़्यादा मौक़ों पर इनके निशाने पर हिंदू आस्थाएँ रहती हैं, हिंदू देवी देवताएँ रहती हैं, हिंदू कस्टम्स रहते हैं या हिंदुओं से जुड़े वो चीज़ें रहती हैं जिन्हें वो हृदय से मानते हैं। ऐसा करने वालों की फौज बहुत बड़ी और उन्हें समर्थन देने वालों की भी अच्छी खासी संख्या है जो अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर इन चीज़ों की पैरवी करते हैं, लेकिन वो इस बात को नहीं बता पाते हैं कि खामियां तो दूसरे धर्मों में भी हैं। फिल्मों में और वेब सीरीज़ में या टेली सीरीज़ में उन खामियों को क्यों नहीं दिखाया जाता है, इसी विषय पर आधारित है हमारी आज की पेशकश, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। अनसुटेबल बॉय की शिकायत मिलने के बाद मध्य प्रदेश सरकार भी एक्शन में आ गई है। ये समय वो है जब राज्य में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाए जाने का काम चल रहा है। ये समय वो है जब राज्य की सरकार इस बात को लेकर पूरी तरीके से चाक चौबंद है कि कोई भी ऐसी घटना ना हो जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की नौबत आए। इस सब के बीच में अनसुटेबल बॉय को लेकर जो शिकायतें आईं उस पर सरकार ने कहा है कि वो जाँच कराएगी और यदि आवश्यक हुआ तो इसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो आइए सुनते हैं प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का इस बारे में क्या कहना है। OTT मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक सूटेबल बॉय कार्यक्रम जारी किया गया है जो आपत्तिजनक मानता हूं। एक मंदिर के अंदर एक मुस्लिम व्यक्ति चुम्बन के दृश्यों को फिल्मा रहा है और पीछे भजन जैसा चल रहा है, लगातार 2-3 बार इस तरह का किया है, जो मुझे प्रतीत होता है कि भावनाओं को आहत करता है। मैंने अधिकारियों को निर्देश किया है कि वो इसका परीक्षण करें कि नेटफ्लिक्स OTT प्लेटफॉर्म पर ये कार्यक्रम क्यों कर, क्या उद्देश्य से इसको पुनः प्रारंभ किया है, पुरानी थीम को निर्माता निर्देशक पर क्या कार्रवाई हो सकती है, इन सभी बिंदुओं का परीक्षण कर मुझे तत्काल अवगत कराएं। हम आपको बता दें कि इस वेब सीरीज का निर्माण मीरा नायर ने किया है। मीरा नायर वो नाम है जिन्होंने एक दौर में सलाम बॉम्बे जैसी बहुत ज़बरदस्त फिल्म देखी थी, लेकिन बाद में उन्होंने ही हिंदुस्तानियों के, मतलब भारतीयों के, एक बहुत बड़ी रचना जो मानी जाती है कामसूत्र को लेकर, इसी शीर्षक पर आधारित एक ऐसी फिल्म का निर्माण किया था जिसमें नंगापन और गलत तरीके के संबंधों के अलावा कुछ भी नहीं दिखाया गया था। हालांकि वो कहानी राजे रजवाड़ों की थी, उन्हीं मीरा नायर ने इस वेब सीरीज़ का भी निर्माण किया है। प्रसिद्ध विचारक, लेखक और प्रतिष्ठित पत्रकार रमेश शर्मा जी इस मसले पर बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शर्मा जी नमस्ते। जी नमस्ते, कैसे हैं शर्मा जी? ठीक। एक ये फिल्म वेब सीरीज आई है अनसुटेबल बॉय, इसको लेकर शिकायत हुई और राज्य सरकार के जो गृह मंत्री हैं उनका भी मानना है कि इसमें आपत्तिजनक दृश्य हैं। बात शर्मा जी सिर्फ इस फिल्म की नहीं रह जाती, ऐसा लगभग बहुत पहले से होता चला आ रहा है, चाहे हिंदी फिल्में हों चाहे इस तरीके की वेब सीरीज़ हों, उनमें एक न एक ऐसा दृश्य या एक न एक ऐसा प्रहसन, बल्कि एक से ज़्यादा ऐसे जानबूझकर डाले जा रहे रखते हैं जिनसे कि हिंदुओं को डिमोरलाइज किया जा सके, नीचे दिखाया जा सके, उनकी आस्थाओं को आहत किया जा सके। आपका इस बारे में अनुभव क्या कहता है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुझे आप ये देखिए कि जब से फिल्मी दुनिया दुबई से जुड़ी है, इसका कनेक्शन दुबई से जुड़ा है, इसका कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से जुड़ा है और इसका कनेक्शन
ये ड्रग्स और नशे की दुनिया से जुड़ा है, तब से अगर आप देखें तो उसमें सनातनी की जो प्रतीक है मानबिंदु, उनको कहीं ना कहीं बहुत कमतरी दिखाएंगे। किसी अगर साधु को भी दिखाना होगा तो बिल्कुल ठग और 420 जैसे दिखाएंगे, किसी अगर राजपूत को दिखाना होगा तो ऐसा दिखाएंगे कि बड़ा बलात्कार कर रहा है और दारू पी रहा है और लोगों की जमीनों पर कब्जे कर रहा है, किसी वैश्य समाज के व्यक्ति को दिखाएंगे तो ऐसा दिखाएंगे कि वो जमीनों में हेर फेर करके किसानों को गरीब कर रहा है। तो कुल मिलाकर के मंदिरों को सारी गड़बड़ी का अड्डा दिखा देंगे, नारद को अगर दिखाएंगे तो विदूषक जैसा दिखाएंगे। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से सीरीज में और फिल्मों में भारतीय संस्कृति के मानबिंदु और खासतौर से हिंदू संस्कृति के प्रतीकों की अवमानना का जो चल रहा है, ये एक योजना पूर्वक इसको षड्यंत्र ही मानूंगा। इसके अलावा अन्य धर्मों को अगर आप देखेंगे, कोई बच्चा फेंक करके जाएगा तो वो चर्च में ही फेंक करके जाएगा, किसी की अगर मान्यता पूरी होगी तो मजार पे जाके उसकी मान्यता पूरी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के अन्य धर्मों को बहुत शालीनता के साथ और बहुत दिव्यता के साथ दिखाते हैं और हिंदू धर्म के प्रतीकों को ऐसा उपहास बनाते हैं, ऐसा मजाक बनाते हैं, किसी ब्राह्मण को और जनेऊधारी को बिल्कुल ऐसा दिखाएंगे जैसे ठग है और बेमतलब कोई चीज कर रहा है। तो ये जो है एक योजना पूर्वक पिछले कई वर्षों से इसका षड्यंत्र चल रहा है। मैं समझता हूँ समाज को इसमें जागृत होने की बहुत आवश्यकता है। समाज की जागरूकता की शर्मा जी आपने बात की, एक तो ये आह्वान किया जाता है कि लोग फिल्मों को ना देखें, लेकिन देखने में ये आता है कि जिस वर्ग की भावनाओं को आहत करने का काम किया जाता है उसी वर्ग के लोग सर्वाधिक ऐसी फिल्में देखने जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ जिन प्रतीकों की आपने बात की, जिनकी हमेशा तारीफ की जाती है, जिन्हें हमेशा पॉजिटिव बताया जाता है, यदि उनके खिलाफ किसी फिल्म में एक दृश्य भी चला जाए तो क्या होता है, भोपाल में हम गदर फिल्म के समय पर देख चुके हैं। तो ये जो समाज का जो इन ऐसी फिल्मों के लिए इस तरीके का रिस्पांस कैसे बन जाता है कि कैसे आपकी संस्कृति को कोई आहत कर रहा है, आपके धर्म को नीचा दिखा रहा है, बावजूद उसके आप उसी को देखने चले जा रहे हैं, उसी की कमाई का आप साधन बन रहे हैं, यहाँ तक कि इस किस्म की जो चर्चाएँ होती हैं वो तक ऐसी फिल्मों के लिए प्रचार का जरिया बन जाती हैं, इस सब पे कैसे नियंत्रण किया जा सकता है? देखिए कुल मिलाकर के उन्होंने समाज को भटका दिया है, समाज को भ्रमित कर दिया है, समाज को उसकी जड़ों से, उसके गौरव से, उसकी संस्कृति से पूरी तरीके से काट करके हवा में उसको लटका दिया है। उसको कुछ भान ही नहीं होता कि वो क्या कर रहा है और क्या देख रहा है, किसकी उसको तारीफ करना और किस। मुझे एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, जो बंदा ये कहता है कि भारत में रहने लायक देश नहीं बचा, रहने लायक परिस्थिति नहीं बची, उसकी फिल्में भी लोग देखते हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, आपके माध्यम से अनादि के दर्शकों से एक सवाल पूछता हूँ कि सदी का महानायक कौन हो सकता है? क्या कोई फिल्म का कलाकार जो जिसने केवल नाचा गाया है, कमर मटकाई है, हीरोइनों के साथ रहा है, चर्चित हुए हैं एक के साथ, वो महानायक होगा? मैं बल्कि कई बार व्यक्तिगत जीवन में भी कहता हूँ, अगर आप कांग्रेस की मानसिकता रखते हैं तो इंदिरा जी को महानायक मानो, आरएसएस की मानसिकता रखते हैं तो डॉक्टर हेडगेवार को महानायक मानो, गांधी को मानो, भगत सिंह को मानो, सुभाष चंद्र बोस को मानो, जिन्होंने बलिदान देकर के राष्ट्र को एक दिशा दी है, वो नाम महानायक होंगे कि बम्बैया लोग महानायक होंगे, नचैया गबैया टाइप आदमी महानायक होंगे? तो लेकिन चूंकि उन्होंने समाज को पूरी तरीके से भ्रमित कर दिया, पूरी तरीके से भ्रमित करने के बाद इस तरह की चीजें आती हैं और मानकर के चलता है कि समाज जो है एक तरीके से नशे में है, वो अपनी मूल संस्कृति को उन सबको भूल गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अपने दर्शकों से पूछ के देखिए, किसी से पूछो भगत सिंह के पिताजी का नाम क्या है, वो नहीं बता सकता। किसी से अगर पूछो कि विवेकानंद के पिताजी का नाम क्या है, वो नहीं बता सकता। लेकिन सारे फिल्म हीरो के पिताजी का नाम भी पता होगा और लड़की का नाम भी पता होगा और पत्नी का नाम भी पता होगा, उसके अपने फोर फादर का नाम, ग्रांड फादर से ऊपर किसी को नाम नहीं पता होगा, लेकिन फिल्मी दुनिया में चार चार पीढ़ियों के नाम पता होंगे। तो कुल मिलाकर के ये जो सारा का सारा सिस्टम बना है और उसके पीछे हमारी शिक्षा व्यवस्था है, आपको कल्पना है आजादी के बाद देश का पहला जो शिक्षा मंत्री बना वो एक ऐसा बना जो भारत में जन्मा ही नहीं था, वो किसी भारतीय भाषा को नहीं जानता था। तो कुल मिलाकर के बना दिया वो शिक्षा मंत्री। तो जिस तरीके से शिक्षा और संस्कृति जो एक जुड़ाव है उसने भारत को, भारतीय समाज को उसकी जड़ों से पूरी तरीके से काटा है। जी जी, निश्चित रूप से आपने शुरुआत में शर्मा जी एक बात कही थी, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने कहा कि जब से ये दुबई से इसके तार जुड़े ही हैं, एक चीज़ याद आती है, गुलजार बहुत बड़ा नाम माने जाते हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, बड़ी इज्जत से वो लोग उनकी बात करते हैं। गुलजार ने एक फिल्म बनाई थी माचिस, और उस फिल्म में उन्होंने बिल्कुल इस बात को जस्टिफाई किया था कि पंजाब में आतंकवाद पूरी तरीके से सही है, एक तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश की थी, वो बात अलग हो सकती है, लेकिन उस फिल्म में आप देखिए
कि गुलजार ने कहा था कि उसके एक संवाद में था कि इस फिल्म इस देश में डेमोक्रेसी का आखिर मतलब क्या रहता है, और उसी फिल्म में जब जब पाकिस्तान का जिक्र आया गुलजार उसका नाम लेने की हिम्मत नहीं जुटा सके, उसकी जगह केवल उन्होंने कहा था उस पार से आया है, उस पार भेजा गया था। ये किस किस्म की मानसिकता का प्रतीक है? गुलजार तो स्थापित आदमी है, सारे लोग उनको मानते हैं, आपने नचाई गवैयों की बात की, तो गुलजार की इस कोशिश को फिर अपन क्या कहेंगे? देखिए मेरी दृष्टि में फिल्मी दुनिया से, मेरी अपनी निजी राय में, दूसरे लोग उनको बहुत मान माने, मुझे उसमें बिल्कुल आपत्ति नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति का अपना आस्था विश्वास और पसंद नापसंद का सवाल है। मेरी दृष्टि में फिल्मी दुनिया का कोई भी आदमी सम्मानित नहीं हो सकता, और लेकिन चूंकि उनको योजना पूर्वक उनको स्थापित मीडिया में लगा रहते हैं उनके बारे में, आप मुझे बताइए अखबारों के सिटी के पन्ने पे फिल्मों की खबरें रहती हैं, किसी ने अगर हंस दिया तो कुल मिलाकर के लगातार जो हैमरिंग की जाती है हमारे दिमागों पर, उसको लेकर के फिल्मी दुनिया का, चाहे वो गुलजार हो चाहे कोई भी हो, वो हमारे दिमागों पे छा जाते हैं। तो वो जो फिर जिस तरीके से बात कहते हैं, हमें उनकी बात सही लगती है। मुझे एक बात बताइए, कौन सी ऐसी फिल्म है जिसने आतंकवाद को सही ठहराया हो? कहीं ना कहीं विद्रोहियों को वो ऐसा प्रस्तुत करते हैं जैसा लगता है कि ये परिस्थिति का मारा है। मीडिया में भी अगर आप देखेंगे, जो सरेआम पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाते हैं, जो सेना पे पत्थर फेंकते हैं, उन्हें भटका हुआ नौजवान कह देंगे, और जो लोग देश के टुकड़े होने की नारे लगाते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, उनको हम अभिव्यक्ति की आजादी कहते हैं, और दूसरा आदमी जरा सा कहते तो उस पर चढ़ बैठते हैं। तो कुल मिलाकर के देश में कुछ तत्व हैं ऐसे जो भारत में रहकर के भारत के विरुद्ध वातावरण बनाते हैं, भारत के तत्व को नष्ट करना चाहते हैं, और उसमें से बड़ी संख्या में मीडिया में और फिल्मी दुनिया में तो बहुत ही ज्यादा वो फैल गए हैं, और उन सबका कनेक्शन दुबई से और अंडरवर्ल्ड से रहता है। आप मुझे देखिए कि फिल्मी दुनिया में कितना पैसा अंडरवर्ल्ड का लगता है। ये वही अंडरवर्ल्ड है जिसने बंबई में ब्लास्ट कराए थे, ये वही अंडरवर्ल्ड है जिसने बंबई आतंकवादियों के लिए कहीं ना कहीं मार्ग बनाया। आप मैं नक्सलवाद को आप क्या समझते हैं? नक्सलों को लेकर के जितनी फिल्म बनी है उनको सही कहते हैं। तो कुल मिलाकर के अपराध को और देश विरोध को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या मासूमियत या भटकाव कहकर के जस्टिफाई करने का काम ये कुछ वर्ग के लोग करते हैं, उसमें फिल्मी दुनिया का बहुत बड़ा हाथ है। जी जी, रमेश शर्मा जी, हमसे बात करने के लिए, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वरिष्ठ विचारक, लेखक और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी को आपने सुना, जिन्होंने कहा कि दुबई कनेक्शन के चलते एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो इस तरीके की फिल्म बनाता है जो भारतीय संस्कृति के खिलाफ बात करती हैं, ख़ास तौर से हिंदू धर्म के खिलाफ बात करती हैं, और इन चीज़ों को, इन आरोपों को आसानी से खारिज भी नहीं किया जा सकता। वेब सीरीज़ की हम बात कर रहे हैं, वेब सीरीज़ में आप देख लीजिए, अभी एक वेब सीरीज़ कुछ समय पहले आई थी मनोज वाजपेयी की, फैमिली मैन। उस फिल्म में अगर आप गौर से देखेंगे तो जो उसमें रहमान मूसा था, जो कैरेक्टर है, जो ख़तरनाक आतंकवादी है, लोगों की जान ले लेना जिसका शक्ल है, उसको उस पूरी फिल्म में जस्टिफाई करने की कोशिश की गई है, ये कहते हुए कि क्योंकि गुजरात दंगों में उसके परिवार के बहनों को मार डाला गया था, माँ को जला दिया गया था, इसलिए रिटेलिएट करने की खातिर वो आतंकवादी बन गया। अगर इस तरीके का था तो फिर ठीक है, लेकिन गोधरा के जो ट्रेन जला दी गई थी उसकी कहीं पर भी कोई बात नहीं होती है। इसी तरीके से अगर हम पाताल लोक फिल्म की बात करें, पाताल लोक फिल्म में दिखाया गया है कि हिंदू जो होते हैं वो बगैर किसी वजह के लोगों की हत्या कर देने वाले होते हैं, जबकि जो दूसरे होते हैं अल्पसंख्यक, वो डर के मारे ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं जो कि वास्तविक ज़िंदगी में नज़र ही नहीं आता है, जो कि वास्तविक दुनिया में नज़र ही नहीं आता है। लेकिन इस तरीके की एक जो ट्रेंड को विकसित करने का काम चलता है, ये कहीं ना कहीं जाकर ये सोचने के लिए मजबूर करता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और इस तरीके की चीज़ें बहुत पहले से आ रही हैं। आप दीवार फिल्म में ध्यान कीजिए, अमिताभ बच्चन नायक जो है, विजय उनका नाम है, हिंदू किरदार दिखाया गया, सारी फिल्म में वो भगवान से चिढ़ते हैं, भगवान से गुरेज करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नास्तिक होना अपना अधिकार है, लेकिन बावजूद उसके उनकी उस बिल्ले के प्रति अगाध आस्था जो यहाँ बांधते थे, जिस पर 786 लिखा रहता था। इसी तरीके से आप शोले फिल्म देखिए, उसमें नायक को दिखाया गया है कि भगवान की आवाज़ निकाल कर हीरोइन को वो लुभाने की कोशिश कर रहा है, सस्ती भाषा में कहें तो पटाने की कोशिश कर रहा है, भगवान के मंदिर के पीछे टिक कर भगवान की आवाज़ निकाल कर। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं उनके बीच में ये जो सूटेबल बॉय में जो चीज़ें दिखाई गई हैं उनको लेकर कई सवाल उठते हैं। बातचीत आगे बढ़ाते हैं, राम बुंदेला मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड से जुड़े हुए हैं, बॉलीवुड में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है, उनके एक फिल्म मोहब्बत क्या चीज़ जल्दी रिलीज़ होने वाली है, जिसमें उन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से भारतीय आध्यात्म के जरिए युवाओं को भटकने से बचाया जा सकता है। राम बुंदेला से भी हमने इस मसले पर बातचीत की और जो कुछ उन्होंने कहा वो इस तरीके से है। तो बात यह है कि जिस तरह की समाज में हर तरह की मानसिक विकृति होती है,
वो अपराधी विकृति होती है, किस तरह की निर्ममता की विकृति होती है, तमाम तरह की सेक्सुअल विकृति होती है, क्रिमिनल विकृति होती है, मानसिक विकृति, इसी तरह इस तरह के सिनेमा में भी मानसिक विकृति होती है। लेकिन कई मानसिक विकृति वाले मेकर भी हैं जिनकी मानसिक विकृति इतनी बीभत्स है कि वो इसी तरह का सिनेमा परोसते हैं, इसी तरह की सीरियलें आती हैं जो हमारे समाज को खास तौर से एक 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 समाज के एक वर्ग को उस पर आरोप लगाते हैं, उसकी खिल्ली उड़ाते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। कि आप विश्व का सिनेमा उठा के देखिए, एकमात्र ये धर्म है ये जो जिसकी आप हम बात कर रहे हैं, हमारा हिंदू धर्म जो सहिष्णु है, सनातनी है, संस्कारी है, इसी पे ही सारे मजाक व्यंग, इसकी हमारे देवी देवताओं की गंदी तस्वीरें, या इसी तरह के कुछ हिस्से उठा के, जैसे आपने बताया कि मंदिर में जूते पहनकर प्रेम प्रसंग, कोई बुरी बात नहीं, होता होगा, लेकिन आप जानबूझकर या मानसिक विकृति या मानसिक पैरालिसिस वाली बात करें तो यही है। और ऐसे मेकर आपको सैकड़ों मिलेंगे। तो जो ये मानसिक विकृति वाले मेकर हैं, तथाकथित निर्देशक या लेखक या गायक या गीतकार, ये हमारे ही धर्म को चुनते हैं और उस पे ही, क्योंकि आप किसी और दूसरे धर्म पे जाएंगे तो आपको भगा दिया जाएगा, आपको आर्थिक मदद नहीं मिलेगी, आपको और तमाम चीजें नहीं मिलेंगी और आपको मंच नहीं मिलेंगे कि ये देखिए ये पढ़े लिखे आए। आपने सुना राम मुंदेला को, इससे पहले हमने बात की थी वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा से। हम एक बात साफ कर देना चाहते हैं कि आज की चर्चा का उद्देश्य ये उकसावा देना नहीं है कि बॉलीवुड क्यों अन्य धर्मों का मजाक नहीं उड़ाता या वेब सीरीज़ में क्यों अन्य धर्मों के लोगों की भावनाओं को आहत नहीं किया जाता। हमारा मकसद ये सवाल उठाना नहीं है। सीधा से एक सवाल ये उठता है कि क्यों एक ही संस्कृति ऐसी है जो आपके लिए सूटेबल टॉय की तरह होती चली गई है, जिसे आप जैसी मर्जी चाहते हैं वैसा खेलते हैं। श्रीलाल शुक्ल ने अपनी अमर कृति राग दरबारी में लिखा था कि भारत में जो शिक्षा पद्धति है वो सड़क पर बैठी हुई ऐसी कुतिया है जिसे हर आता जाता लात मार देता है। उसी तरीके की जो मानसिकता विकसित की जा रही है बॉलीवुड में, मनोरंजन इंडस्ट्री में, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, जब मीरा नायर ने जो भी फिल्म बनाई है, जिस तरीके की वेब सीरीज जो बनाई, उसमें भी यही हो रहा है कि आप विषय हो चाहे नहीं हो, उसका कथानक के मूल से कोई लेना देना हो चाहे नहीं हो, लेकिन आप उसमें कहीं ना कहीं से एक ऐसा दृश्य ज़रूर दिखाते हैं जिसमें जो सनातन संस्कृति है उसे मानने वालों की भावना आहत करने का काम किया जाता है। अभिषेक बच्चन की एक वेब सीरीज़ पर एक फिल्म है ब्रेथ इन द शैडो, अब आप उसमें देखिए कोई चीज़ों का मतलब सीधी से एक अपहरण की कहानी है, एक मनोविकार से ग्रसित आदमी की कहानी है जो अपनी बेटी का अपहरण करा लेते हैं, लेकिन फिल्म की शुरुआत में लड़की बैठकर एक पढ़ाई कर रही है, वहीं देवी का जगराता चल रहा है, जगराते के कुछ चावल आके गिर जाते हैं तो उसकी माँ श्रद्धापूर्वक ये कह देती है कि अब देख देवी रानी का आशीर्वाद हुआ तो तेरे को इसी किताब से, इसी पन्ने से जहाँ चावल गिरे वहीं से प्रश्न आएंगे। और लड़की जब किडनैप हो जाती है तो आप कैमरा उसी किताब के उसी पेज पर ले जा रहे हो, उसी चावल को आप दिखा रहे हो, आप क्या दिखाना चाह रहे हो? यही ना कि वो चावल किसी काम का नहीं रहा, उसकी रक्षा नहीं कर सका। इस तरीके की चीज़ें आप सारे अगर लूप होल किस चीज़ में नहीं होते हैं तो इस बहस का मतलब केवल ये है कि आप सारा का सारा ध्यान अगर इसी बात पर केंद्रित कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उस तरीके के विरोध के स्वर उठेंगे जैसे अब बहुत तेज़ी से उठने लगे हैं। सालों साल तक इन चीज़ों को इग्नोर किया गया, जो लोग इससे आहत होते थे उन्होंने भी इसकी तरफ खास ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब जब धीरे धीरे समझ में आने लगा, धीरे धीरे इस शक में कम से कम ये शक करने की कम से कम गुंजाइश होती चली गई कि भाई ये एक एजेंडाबद्ध तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उसके बाद लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया। आप फिल्म बनाते हैं, आपने फायर फिल्म बनाई, उसमें दो औरतों को समलैंगिक बताया, क्या ज़रूरी था कि उनके नाम आप सीता और राधा रखते? धार्मिक प्रतीकों के नाम रखे गए हैं। तो जब इस तरीके की चीज़ों एक नहीं अनेक अनेक बार ऐसा लगातार होता देखते चले आ रहे हैं हम लोग की सारी आपका जो सेटायर भी रहता है, जो बुराई दिखाने का काम भी रहता है। रमेश सिप्पी ने एक फिल्म बनाई थी भ्रष्टाचार, उसमें उन्होंने बाकायदा एक भगवादारी जटा जूटधारी साधु को रेपिस्ट बताया था, ड्रग स्मगलर बताया था उन्होंने उसे,
और लोगों का अत्याचार करने वाला बताया था, तो क्या सारे के सारे इस तरीके के विकार एक पक्ष विशेष में ही नज़र आते हैं? और फिर ऐसा क्यों होता है कि जब किसी दूसरे पक्ष की ऐसी खामी को बताने की ज़रा सी भी कोशिश की जाए तो बवाल मच जाता है उसके ऊपर? भोपाल शहर की भोपाल टॉकीज अब बंद हो चुकी है, वहाँ पर कई साल पहले एक फिल्म लगी थी। उस फिल्म के लगने के कुछ दिन बाद फिल्म के मैनेजर के पास एक फ़ोन आया और एक आदमी ने धमकी दी कि उसमें आप एक गाना चला रहे हो और उसमें हमारे जो आराध्य हैं उनका नाम आता है उस गाने में, हम फिल्म को चलने नहीं देंगे। टॉकीज़ का एक एम्प्लॉय उस चीज़ का आरोपी निकला, वो एक अल्पसंख्यक निकला, उसने इस बात से नाराज़ होकर कि फिल्म के गीत में उसके आराध्य का नाम है, जिनकी उपासना करता उनका नाम है, ये बात गलत नहीं थी, उस आदमी का ऐसा करना गलत नहीं था। लेकिन अगर ये गलत नहीं था तो फिर इस तरीके के विरोध को, अस्यूटेबल बॉय का जो विरोध हो रहा है उसे आप किस तरीके से गलत कह सकते हैं? किस तरीके से आप इस बात को गलत कह सकते हैं कि एक वर्ग विशेष के लोगों को तनिष्क के उस विज्ञापन पर आपत्ति नहीं जतानी चाहिए थी जो विज्ञापन दीपावली के पहले पहले दिखाया गया था? किस तरीके से आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एक मंदिर के अंदर चुंबन का दृश्य दिखा दें, एक मंदिर के अंदर जहां लोग नंगे पांव जाते हैं वहां आप लोगों को जूते चप्पल पहनकर खड़ा होकर दिखा दें, और वहीं जब किसी दूसरे धर्म के इबादत घर की बात आए, उनको उपासना स्थल की बात आए, तो आपकी सारी पवित्रता, सारा का सारा पाकिजगी देखते ही बनती। आप एक दृश्य तो दूर, एक संवाद तक इस तरीके का वहाँ पर नहीं दिखा सकते जिससे कि हो कि भाई आप कोई वहाँ की आलोचना कर रहे हो। और इस तरीके की चीज़ों को अगर सुधारवाद की संज्ञा दी जाती है तो निश्चित रूप से कहना गलत नहीं होता है कि सनातन परंपरा फिल्म जगत में और वेब सीरीज के जगत में कई लोगों के लिए सूटेबल बॉय की जगह सूटेबल टॉय यानी एक मनपसंद खिलौना हो गई है। अब आज की प्रस्तुति समाप्त करने की इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।